भारत रत्न लता मंगेशकर अपने करोड़ों फैंस को छोड़कर ऐसी दुनिया में चली गई हैं जहां से कोई लौटकर नहीं आता। 6 फरवरी को जब स्वर कोकिला के निधन की दुखद खबर आई तब पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा में भी भावनाओं का जनसैलाब देखने को मिला था। ऐसा ही एक सैलाब सोशल मीडिया पर भी आया है। दिवंगत दिग्गज गायिका के निधन से लेकर अब तक उनसे जुड़े हजारों किस्से, कहानियां, तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही वायरल वीडियोस में से एक वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। इस वीडियो को लता मंगेशकर के आखिरी दिनों का वीडियो बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उन दिनों का है जब दिवंगत दिग्गज गायिका लता मंगेशकर गंभीर बीमार थे और उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लता मंगेशकर के आखिरी दिनों का वीडियो है। ये वीडियो तब का है जब उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करवाया गया था। वायरल वीडियो में लता मंगेशकर जी को दो नर्सों के सहारे चलते देखा जा सकता है। वो बेहद कमजोर दिख रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लंबी बीमारी और बढ़ती उम्र की वजह से वह किस हद तक कमजोर हो गई थीं। इस वीडियो को देख फैंस बेहद इमोशनल हो रहे हैं और रिएक्शन भी दे रहे हैं। कुछ फैंस ने इस वीडियो को दिल तोड़ने वाला बताया है तो कुछ फैंस दिवंगत दिग्गज गायिका को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो कई फैंस ऐसे भी हैं जिन्होंने इन वीडियोस को सोशल मीडिया से डिलीट करने की मांग की है। इस वीडियो में लता मंगेशकर की हालत इतनी खराब दिख रही है जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हुए जा रहा है। फैंस कमेंट्स कर इस वीडियो पर दुख जता रहे हैं। बता दें कि बीते महीने लता मंगेशकर अपने एक नौकर की वजह से कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थीं। वह बीते 2 साल से अपने घर से नहीं निकली थीं। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारती थीं। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए ही अपने फैंस के लिए संदेश देती थीं। उनसे मिलने आने वाले लोगों को भी घर आने से मना कर दिया गया था। लेकिन बीते महीने उनके घर के एक स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद लता मंगेशकर का भी कोविड टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। बाद में हॉस्पिटल में वो निमोनिया से भी ग्रस्त पाई गई थीं। उन्होंने कोरोना वायरस को तो मात दे दी थी, लेकिन उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर ने अपनी अंतिम सांस ली। उसी दिन शाम को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ स्वर सरस्वती लता मंगेशकर जी को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया था।